देखो आज की कक्षा में हम पढ़ रहे संख्याएं, हम सारे कितनी बड़ी संख्याओं की गणना करते हैं तो उनमें ये 10 अंक आते हैं। सारे हम कितनी भी बड़ी संख्याओं की गणना करते हैं सिर्फ इन 10 अंकों की प्रयोग करते हैं। तो देखो सबसे पहले है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वो होती है जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है, उसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। उसके बाद में पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। उसके बाद में पूर्णांक संख्या। यदि हम पूर्ण के अंदर जो ऋणात्मक वाली संख्या शामिल कर दें तो वह पूर्णांक संख्या कहलाएगी। मतलब पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या आती हैं। जैसे पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलती है, उसके साथ में इधर वाली जो ऋणात्मक संख्या शामिल कर दें तो यह पूर्णांक संख्या कहलाएगी। इसके बाद में जो सम संख्या है, सम संख्या उसको कहते हैं जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता है, उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन संख्या में दो का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सम संख्या। और विषम संख्या वो होती है जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं विषम संख्या। जैसे ये संख्या लिखी है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस प्रकार की जो संख्या है इसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए ये है विषम संख्या। अब अगली है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या का भाग जाता है तो उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 ये वो संख्या है जिसके अंदर एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या का भाग जा रहा है। जैसे 4 में 2 का, 6 में 2 और 3 का, 8 में 2 और 4 का, 9 में 3 का, इस प्रकार इनमें किसी न किसी एक और इन खुद स्वयं संख्या को छोड़ के कोई दूसरी संख्या का भाग जा रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। और अगली अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा और कोई दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, इसलिए हम इस संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7 इस प्रकार ये आगे चलती जाएगी। इन संख्या में एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। और एक संख्या ऐसी है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। आपको इन संख्याओं के अंदर क्या करना है? परिभाषा नहीं रखनी है संख्याओं, मतलब प्राकृत संख्या होती कौन सी है, पूर्ण होती कौन सी है, पूर्णांक होती कौन सी है, सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, भाज्य कौन सी होती है और अभाज्य कौन सी होती है, इन संख्याओं का ध्यान में रखना है। जैसे एक से शुरू होकर जो अनंत तक चलती प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या सभी की सभी पूर्ण संख्या के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत के अंदर नहीं आती है। तो पूर्णांक संख्या के अंदर सभी प्राकृत और सभी पूर्ण संख्या इस पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। तो सभी प्राकृत सम संख्या सभी प्राकृत में आ जाएगी और विषम संख्या भी सभी प्राकृत और पूर्ण में आ जाएगी। और जो भाज्य संख्या है, इस भाज्य संख्या में दो को छोड़ दें, दो को छोड़कर बाकी सभी जो अभाज्य संख्या है वो विषम संख्या होती है। और बाकी जो भाज्य संख्या है ये सब की सब किस में आती है? तो भाज्य संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, लेकिन जो अभाज्य संख्या इसमें दो छोड़ दे तो बाकी वाली सब की सब विषम के अंतर्गत आती है। तो ये सभी संख्या थी। इसके आगे संख्या बसी है परिमेय और अपरिमेय संख्या एवं वास्तविक संख्या, वो पढ़ेंगे हम। ये प्रथम कक्षा है, वो पढ़ेंगे अगली दूसरी कक्षा में।